और चले सीधे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे इस वक्त। अगर पूरे देश में जो मुद्दा उठा है वो है फास्टैग सिस्टम लागू होने का। देश भर में फास्टैग सिस्टम को लागू कर दिया गया है और अब फास्टैग लगवाना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप फास्टैग अपनी गाड़ी पर नहीं लगवाते हैं तो आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल पहले फास्टैग लगवाने की तारीख 1 दिसंबर थी अंतिम तारीख, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था और 15 दिनों तक और ज्यादा समय दिया गया था जनता को, यानी कि 15 तक कर दिया गया था, लेकिन अब वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब पूरे देश में फास्टैग सिस्टम लागू हो गया है। तो अगर आप फास्टैग नहीं लगवाते हैं तो आपको डबल टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। देश भर में फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया गया है। तमाम तरह की अभी क्योंकि लोग जागरूक नहीं हुए हैं तो तमाम तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को उसकी टेक्निक समझने में दिक्कत हो रही है, लोगों को रिचार्ज की जो समस्या है उससे भी रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में अभी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर फास्टैग को लेकर लोगों को समझने की जरूरत है। और दादरी टोल टैक्स से टोल प्लाजा से सीधे हमसे जुड़ चुके हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल। सीधे ललित का रुख करेंगे। ललित, इस वक्त जितना भी फास्टैग के बारे में आप जनता को जानकारी दे सकते हैं सभी से जनता को रूबरू करवाएं। देखिए गौरांशी, मैं सबसे पहले एक बात ही कहना चाहूंगा आपको कि जो दोगुने टैक्स वसूलने की बात थी एनएचएआई की तरफ से, उसमें फिलहाल रिलैक्सेशन दे दिया गया है। दोगुना टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अगर आप फास्टैग लेन में चले गए हैं और आपने फास्टैग नहीं खरीदा है तो फिर आपको उसके लिए एक तरह से वापस कर दिया जाएगा जो कैश लेन है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो तस्वीर कि सरकार आखिर चाहती क्या है इस फास्टैग के जरिए। देखिए फास्टैग जो है वो ये व्यवस्था है कि ये जो लाइन है ये लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर किसी भी तरह की जो लाइनें हैं टोल बूथों पर जो लगती हैं उन टोल बूथों पर लगने वाली लाइनों को खत्म कर दिया जाए। अब आप देख सकते हैं एक तरह तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है कि जिसमें ये ट्रक ने फास्टैग लिया हुआ है लेकिन कई बार तकनीकी समस्या आने के कारण वो जो है वो RFID उसको रीड नहीं कर पाता है। यहाँ पर सज्जन मौजूद हैं, आपने फास्टैग क्यों नहीं लिया अभी तक? ले रहा हूँ मैं, अभी लूंगा फास्टैग, अभी ले रहा हूँ। हाँ अभी गाड़ी साइड में रोक के फास्टैग लेके ना। अच्छा उस ऑल इंडिया चलेगा फिर? ऑल इंडिया चलेगा। देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अब लूंगा, इसी तरह से कई सारे लोग हैं। तो लेकिन इसमें एक जो तकनीकी समस्या आ रही है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर देख रहा था कई लोग यहाँ अपना फास्टैग बनवा रहे थे तो उनको कई तरह के सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। खास तौर पर जो गाँव के लोग हैं उनके लिए इस तरह के सिस्टम से गुजरना बड़ा मुश्किल है। इसकी तकनीक को कहीं ना कहीं NHAI को आसान करना होगा जिससे कि ये बहुत ही कॉमन हो जाए एकदम इसको खरीदना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के वॉलेट में पैसे नहीं हैं उनको इसकी जानकारी पहले ही होनी चाहिए कि वो वॉलेट में नहीं है, अन्यथा आप देख रहे हैं इनके गाड़ी में वॉलेट में पैसे नहीं हैं और ये जो ट्रक है ये वापस आ रहा है। अभी यहाँ से इन्हीं से पूछते हैं क्यों वापस आ रहे हैं आप? ब्लैक लिस्ट बता रहा, बता 2125 रुपए पड़े हैं इसमें। अच्छा। फिर भी ब्लैक लिस्ट बता रहा है इनकी मशीन, ये तो कोई कारण नहीं है। इतने देर हमारे यहाँ फास्ट कार्ड का मतलब क्या है फिर? इसका मतलब हमारा समय बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, अभी लोडिंग के लिए जाना है। अब हमारी लोडिंग बंद हो जाए। पड़े हैं आपके? पड़े हैं 2125 रुपए हैं हमारे फास्ट कार्ड में। ये शो कर रहा है, ये यहाँ ब्लैक लिस्ट बता रहा है, अभी पीछे कटवाया। वहाँ चला फास्ट कार्ड का हमारा फायदा ही क्या है फिर? इसका इतना समय हमको बर्बाद करना है यहाँ, तो फायदा क्या रहा फिर? देखिए यहाँ पर ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसमें कि लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम की बात है जहाँ पर, जहाँ तक बात है तो ये एक अपने आप में बड़ी समस्या है। इसको दूर करना पड़ेगा NHAI को। सरकार ने रूल तो निकाला है लेकिन रूल निकालने के बावजूद जो स्थिति हम देख रहे हैं उस स्थिति में यहाँ पर इस तरह की लाइनें जो है, क्योंकि एक लाइन को कैश छोड़ा गया है और ये कैश लाइन उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो लाइन है वो काफी लंबी है, तो इस तरह से लोग बड़े परेशान हो रहे हैं।
आज पहला दिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गौरव जी, जी ललित, यहाँ पर जिस तरीके से आप दिक्कतों की बात बता रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी वजह से यहाँ पर जनता को दो चार होना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर कैश लेन की हम बात करें तो जो तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं, ललित आपने भी दिखाई और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े उन्होंने दिखाई कि कैश लेन में भीड़ लंबी है, जबकि संडे का आज दिन है, आज वर्किंग डे नहीं है। ऐसे में जब कल से वर्किंग डे होगा तो कैश लेन की लाइन और भी ज्यादा लंबी होगी, ऐसे में जाम से छुटकारा पाने की जगह जाम तो और बढ़ता जाएगा। ललित जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर, लेकिन गौरांशी समस्या के लिए एनएचएआई ने कहा है साफ तौर पर कि अगर आपको लगता है कि कैश की लेन ज्यादा लंबी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं जो फास्टैग की लाइन है उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह अपने इलाके के आरओ से बात करके। तो देखिए, इस तरह की व्यवस्था है कि पूरी तरह से कि लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सुविधा लोगों के लिए है, लोग इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए ये भाई साहब हैं, क्या समस्या हो रही है? सर जी, समस्या ये है और कुछ नहीं है, यहाँ पे जाम लग रहा था, ये हमारे इसमें फास्टैग लगा हुआ है, ठीक है, ये फिलहाल रिचार्ज नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है इसका 3 गुना टैक्स ज्यादा काटा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, फिलहाल तो ऐसा ही है, ये ऐसा करना चाह रहे हैं ना, तो अगर क्यों नहीं? नहीं, हमारे मालिक ने अभी रिचार्ज नहीं किया, लगवा लिया तो उसकी समस्या से अगर मालिक रिचार्ज करेगा वहाँ पर बैठा हुआ तभी होएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, फास्टैग लगा हुआ है उसकी भी छूट देनी चाहिए। चलिए, जितने लोग उतनी तरह की शिकायतें, लेकिन ये तो जब एक बार सिस्टम लॉन्च हो गया तो उसके बाद तो फिर इसमें कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे वॉलेट में पैसे हैं बावजूद उसके यहाँ पर ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, इसको भी दूर करना होगा ताकि लोगों को परेशानी का हल निकाला जा सके। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज तो यहाँ पर खाली है, इसलिए ट्रक्स और दूसरी गाड़ियाँ वापस हो गए, जिस दिन यहाँ पर भीड़ होगी उस दिन किस तरह की समस्या होगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती एनएचएआई के लिए बन सकता है, और ख़ास तौर पर जो सिस्टम लॉन्च हुआ है वो भी अपने आप में जिस तरह से सहूलियत देने के लिए बना है, अगर उसमें तकनीकी खामियां रही तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। जी जी ललित, यहाँ पर एक बड़ा तबका है, अगर आप कह सकते हैं कि बड़ा तबका है जिसको अभी सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर समझने में समय लग रहा है, ऐसे में अगर गाइडेंस की बात की जाए तो टोल प्लाजा पर क्या कुछ गाइडेंस की सुविधाएं उपलब्ध है? देखिए, गाइडेंस के लिए तो जो लोग फास्टैग बना रहे हैं वो हालांकि लेने वालों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो कई सारे लोग हैं वो कई लोग परेशान इस बात को लेकर हैं कि एक फास्टैग खरीदने में उन्हें तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लग जा रहा है, किसी के मोबाइल का जो है एक तरह से कहें कि किसी के मोबाइल में पैसे, किसी के मोबाइल में बैंक एयरटेल बैंक नहीं बन पा रहा है जो कि क्योंकि एयरटेल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, देखिए अलग अलग तरह की समस्या। देखिए ये भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने क्या आपने आरएफआईडी लगाया हुआ है, क्या हो गया? लगा हुआ है सर, ब्लैक लिस्ट बता रहा है। सर अब जा रहे हैं, दूसरी लाइन में जा रहे हैं सर, कैश वाले में। तो आपने रिचार्ज कर रखा है इसको? रिचार्ज है सर, अभी सर शो ही नहीं हो रहा है इनके उस पे। जी अब जा रहे हैं सर। ये परेशानी है कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत, अब देखिए दूसरी गाड़ी जो है वो आसानी से निकल तो रही है अभी, लेकिन रुक गई है यहाँ पर, अब उसकी क्या समस्या है ये भी देखना पड़ेगा। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर जो परेशानियाँ आ रही हैं, तकनीकी जो खामियाँ आ रही हैं उनको करना पड़ेगा। देखिए वो गाड़ी का रीड कर गया तो वो अपने आप में पास हो गया, तो ये एक बड़ी समस्या है, ऐसी दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है ये? क्या सर? ये ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है। ब्लैक लिस्ट में बैलेंस नहीं होता इसमें, टैग में हमारे इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है। सर ऐसा नहीं हो सकता, बैलेंस होगा तो टैग बताएगा, रीड करेगा हमारा फास्टैग। तो ये भी एक समस्या है। देखिए इस तरह की परेशानी जो आ रही है इसको दूर करना होगा एनएचएआई को, तभी लोगों को ज्यादा सहूलियत मिल पाएगी। जी जी ललित, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं, टोल प्लाजा के कर्मचारियों से भी रूबरू हो रहे हैं, सरकार को थोड़ी और ज्यादा तैयारियों की जरूरत थी? जी बिल्कुल, देखिए गौरांशी इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा कि जब कोई तकनीक लॉन्च होती है तो अपने आप में कहीं ना कहीं उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, और जैसे जैसे समस्याएं आएंगी सरकार उसको सॉल्व करेगी, लेकिन सरकार की एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जिस तरह की कमियां दिख रही हैं ये बता रही हैं कि जो लोग वापस लौट रहे हैं वो निश्चित तौर पर सिस्टम की कमी के कारण लौट रहे हैं, जिनका लगा हुआ है वो उनमें से कई लोग जा भी रहे हैं
लेकिन कई लोग जो वापस लौट रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में एक तरह से खामी आ रही है। अब वो उनके एंड पर हो या इनके एंड पर, जिसके भी एंड पर हो, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आसानी से पता चल सके और परेशानी को दूर किया जा सके। जी। ललित, वहां पर आप मौजूद हैं, आप भीड़ भी देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है, कई बार जाम भी लग जा रहा है। ऐसे में कल से जब मंडे शुरू होगा, वर्किंग डे शुरू होगा, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, एक बार और जनता को बताएं। देखिए, फिलहाल तो NHAI ने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए टोल गेटों पर। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वो अपने लोकल RO से बात करके ज़्यादा गेटों को खोल सकते हैं और कैश लेन चालू कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल ऑफिशियल नियम है वो ये है कि 75% जो लाइनें हैं वो टोल की फास्टैग रहेंगी और एक लेन जो है, यानी कि 25% जो हैं, वो कैश हो सकती हैं। तो उसी का नतीजा है कि आप देख रही हैं कि दो लाइनें जो हैं वो फास्टैग कर दी गई हैं और एक लाइन जो है वो कर दी गई है इस तरह की। तो ये यानी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत जो सिस्टम काम कर रहा है अभी फिलहाल यहाँ पे, और अब देखना ये होगा कि कल मंडे के दिन में कैसी परीक्षा होती है। जी। ललित, यहाँ पर हमने दिक्कतों की बात की, कितनी ज्यादा दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है जनता को। अब अगर फायदे की बात की जाए तो फास्टैग के क्या कुछ ऐसे फायदे हैं जिसके लिए सरकार ने फास्टैग को इतना जोर दिया और आखिरकार लागू कर दिया? देखिए, फास्टैग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी लेन में कोई गाड़ी आपको खड़ी नहीं दिखेगी यहाँ पर। हालांकि कुछ गाड़ियां वापस लौटी हैं, लेकिन ये देखिए, ये लेन पूरा खाली है, जो भी गाड़ी आएगी वो इजीली निकलती चली जाएगी। अगर आप कैश लेन की बात करें तो कैश लेन की भीड़ को हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कैश लेन की जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, इनको समझना पड़ेगा लोगों को भी कि वो फास्टैग की तरफ आगे बढ़ें, अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाएं, ताकि ये टोल गेटों पर जिस तरह की समस्या आ रही है वो समस्या ना आए। जी ललित, वहां पर अगर कर्मचारियों से आप बात करना चाहें तो कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ गाइडेंस है, क्योंकि सहयोगी हमारे सुबह से ही जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी भी कह रहे हैं कि अभी सरकार को थोड़ा और समय लेने की जरूरत थी। वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और कर्मचारी कैसे इस परेशानी से डील कर रहे हैं, अगर वहां पर आसपास कोई कर्मचारी हो तो जरूर बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से हमसे जुड़ने के लिए।